मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर विलयन, चैप्टर टू। अभी तक हमने चैप्टर फाइव कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कोलाइडी विलयनों के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केवल विलयनों के बारे में, यानी विलयनों की एक जो वाइड रेंज है, जिसमें हमने थोड़ा सा अलग किया था कोलाइडी विलयनों को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विलयन क्या होते हैं, विलयनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर कितने प्रकारों में किया गया है, और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे किया जाता है, या सांद्रता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विलयन की। विलयन के बारे में थोड़ी बहुत बात हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ एक शर्त है कि जब विलयन की हम बात करेंगे, तो जो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, उसमें विशेष बात यह है कि वो मिश्रण में अगर हमने दो पदार्थ मिलाए हैं, ए और बी, तो ये जो दो पदार्थ मिलाए हैं, तो जब मिल रहे हैं तो एक समांगी विलयन बनना है, समांगी मिश्रण बनना चाहिए। सबसे पहली शर्त कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो अगर वो समांगी मिश्रण बना लेते हैं तो वो विलयन है। और दूसरी बात ये भी है कि ये दोनों आपस में किसी भी तरीके से क्रिया नहीं करने चाहिए, यानी कि ये दोनों रासायनिक रूप से अक्रिय भी होने चाहिए, ठीक है ना। और इसमें ये जो विलेय के कण होंगे, जो भी विलेय के कण होंगे, उनका आकार 1 nm से हमेशा छोटा होगा। ये चीज़ भी हम लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं कि विलयन यानी कि वास्तविक विलयनों की बात कर रहे हैं हम, जिनमें ए और बी या दो से अधिक पदार्थों को घोला जाता है और समांगी मिश्रण बनता है। विषमांगी मिश्रण बनता है तो वो कोलाइडी विलयन हो सकता है, और उनमें आकार इनमें आकार जो है वो 1 nm से छोटा होना चाहिए, और ए और बी के बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है ना, समांगी मिश्रण जिसमें उन पदार्थों के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, विलयन कहलाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें कोई उन पदार्थों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया ना हो, विलयन कहलाता है। अब विलयन में कम से कम दो पदार्थ मिलाए हमने, तो उन दो पदार्थों में एक अवयव तो ऐसा होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, और एक अवयव ऐसा होता है जो कम मात्रा में होता है। तो उस समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात अपना विलयन हो गया विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। जैसे हमने नमक को पानी में घोल दिया, नमक का विलयन बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बन गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल में घोल दिया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक विलयन बन गया, ठीक है ना। नींबू के रस को जल में घोल दिया, तो नींबू का रस का मतलब सिट्रिक अम्ल जल में घोल दिया, तो सिट्रिक अम्ल का जल में विलयन बन गया। तो इस तरह से हमने कम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया है जिनका समांगी मिश्रण बन गया है, तो उन्हें हम विलयन कहते हैं। इसमें कम पदार्थ जो होता है वो विलयन विलेय कहलाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हमने नमक को पानी में घोला, तो नमक को घोला गया तो नमक कम मात्रा में था तो वो विलेय है, और पानी में घोला गया है तो पानी क्या बन गया, विलायक बन गया। तो विलयन की परिभाषा अपनी हो जाती है विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, ठीक है। अब हम विलयनों का करेंगे वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण है विलेय और विलायक को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। लास्ट वीडियो में हमने कोलाइडी विलयनों को विलेय और विलायक यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था यानी कि ठोस द्रव या गैस के आधार पर 8 प्रकारों में बांटा था, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि गैसों में जो विलयन होता है वो समांगी होता है, इसलिए वो कोलाइडी नहीं हो सकता। लेकिन हमें यहाँ सभी विलयन समांगी चाहिए, तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमें 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हैं गैसीय विलयन, जो 3 प्रकार के बनते हैं। गैसीय विलयन का मतलब है जिसमें विलायक किस रूप में है, गैस के रूप में है। विलायक गैस है, उसमें विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के गैसीय विलयन बन गए अपने, द्रव का गैस में और ठोस का गैस में, ठीक है ना। तो गैस में गैस का उदाहरण है जैसे वायु, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, या एसिटिलीन और हाइड्रोजन का मिश्रण, ठीक है, जो आपस में क्रियाशील नहीं है। दूसरा है द्रव का गैस में मिश्रण, जैसे क्लोरोफॉर्म की वाष्प और N2 का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म द्रव के रूप वाष्प के रूप में और N2 गैस के रूप में है। जल वाष्प का वायु में मिश्रण, जल वाष्प द्रव रूप में है,
वायु में मिश्रण बन गया है। ठोस, अगला है ठोस का गैस में, यानी गैस में ठोस अवस्था घुली हुई है, जैसे हमने धूल के कण देखे थे वायु में, या धुएं में कार्बन के कण पाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ठोस गैस में ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस पदार्थ जैसे नौसादर होता है या कपूर होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट या जो गैस में बदल जाता है, तो ठोस का गैस में विलयन बन जाता है। ठीक है, धुआं है ना, कपूर का N2 गैस में विलयन, ये सभी ठोस के गैस में उदाहरण है। तो ये तीन प्रकार के हुए गैसीय विलयन। अब हम बात करते हैं द्रव में विलयन के। द्रव में भी बिल्कुल तीन प्रकार के ही विलयन बनते हैं, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में और ठोस का द्रव में। गैस का द्रव में का मतलब जैसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस होती है जो जल में घुल जाती है, और उस वायुमंडलीय में वायुमंडल में घुली हुई O2 गैस का जलीय जीव श्वसन के लिए उपयोग लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, या सोडा वाटर या अमोनियाकृत जल। अमोनियाकृत जल का मतलब है कि जल में अमोनिया घुली हुई है, तो ये गैस घुली हुई है किसी न किसी द्रव में। द्रव का द्रव में, यानी दो द्रवों को आपस में मिला जाए, जैसे दूध और पानी मिला दिया हमने, एल्कोहल और जल मिला दिया हमने, किन्हीं दो प्रकार के तेलों को मिला दिया हमने, किन्हीं दो प्रकार के द्रवों को मिला दिया हमने, ठीक है ना, वो सभी द्रव का द्रव में विलयन कहलाते हैं। द्रव में ठोस का विलयन, यानी किसी ठोस को हमने द्रव में घोला, जैसे अभी मैंने एक बात कहा था नमक को पानी में घोल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल में घोल दिया, ठीक है ना, या शर्करा को जल में घोल दिया, ये सभी विलयन ठोस का द्रव में उदाहरण है। तो ये तीन प्रकार के गैसीय विलयन, तीन प्रकार के द्रव्य विलयन, छह प्रकार। अब हम देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयनों की बात करें तो यहाँ भी वही तीन प्रकार की, गैस का ठोस में, द्रव का ठोस में और ठोस का ठोस में, ठीक है ना। जैसे पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, पीडी ठोस है, H2 गैस का अधिशोषण कर रहा है, तो ये गैस का ठोस में विलयन बन गया। ठोस का द्रव का ठोस में, जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम एक ठोस है जबकि पारा एक द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है, और जो मिश्र रूप में बनाएंगे अमलगम बनाएंगे तो इसमें ये द्रव ठोस में घुला हुआ होगा। इसी प्रकार ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में का मतलब सभी प्रकार की मिश्र धातुएँ, सभी प्रकार की मिश्र धातुएँ दो या दो से अधिक धातुएँ पाई जाती हैं, जब इनको मिलाया जाता है तो पिघलाया जाता है, फिर ठंडा होने के बाद जब आपस में मिल जाती हैं तो वो ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है। जैसे तांबे और सोने का मिश्रण जिसको गहने बनाने के लिए आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है उसे पीतल कहते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सभी ठोस का ठोस में विलयन ही हैं। इस तरीके से हमने भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में बांटा है, जिसमें 3 गैसीय विलयन हैं, 3 द्रव विलयन हैं और 3 ठोस विलयन हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है अपना वो है संतृप्तता के आधार पर, यानी विलयन की स्थिति के आधार पर। अब संतृप्तता का क्या मतलब होता है? संतृप्तता का मतलब होता है, देखिए समझिए, जैसे अपने पास अपने एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, NaOH डाला, ठीक है, वो घुल गया, ठीक है, फिर हमने थोड़ा और डाला तो उसमें और घुल गया, यानी हम उसमें और डाल रहे हैं तो उसमें और घुलता जा रहा है। तो वह विलयन जिसमें हम विलय और घुल रहे हैं तो वो घुलता जा रहा है। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, ठीक है, यानी अभी उसकी जो संतुष्टि है, उसकी विलय की मात्रा की जो संतुष्टि अभी नहीं हुई, अभी इसमें और घोला जा सकता है, ठीक है ना। तो जब किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर जल में 10 ग्राम NaCl घोल दिया, ठीक है, और असंतृप्त विलयन या संतृप्त विलयन के लिए हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी, विलयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल का तो मतलब होता है कि विलयन में कितने प्रकार के, कितने आयन उपस्थित हैं, कितनी मात्रा में हैं, और KSP का मतलब होता है विलयता गुणनफल, कि उसका संतृप्त विलयन बनाने के लिए इतने आयन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो असंतृप्त विलयन होता है उसमें विलयन में जो आयनों की मात्रा होती है वो कम होती है उसकी विलयता के मात्रा से, ठीक है ना, यानी अभी ये कम है, अभी और घोले जाने हैं ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाएं, ठीक है ना। तो हम जब घोलना शुरू कर रहे थे तो पहले हमने देखा कि हम घोलते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमने और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोला या और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला तो अब वो नहीं घुल रहा, अब उसने घुलना बंद कर दिया है, इसका मतलब उसको जितनी मात्रा घोलनी थी वो घोल चुका, वो संतृप्त हो चुका है, यानी ऐसा विलयन संतृप्त विलयन हो जाता है जिसमें निश्चित ताप और दाब पर और भी विलय की मात्रा नहीं घोली जा सके, ठीक है ना जी। हम इसको इसके लिए विलयता पद का भी उपयोग करते हैं कि निश्चित ताप पर
100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम घुलनशील मात्रा को ही विलेयता कहते हैं, ठीक है ना। और अब जब विलयन में उसकी विलेयता के बराबर विलेय घुल चुका है तो उसे हम संतृप्त विलयन भी कहते हैं। और इसके लिए के एस पी बराबर होता है के आयनिक, यानी विलयन में जितने आयन उपस्थित हैं वो बराबर हैं उसकी विलेयता के लिए आवश्यक आयनों, यानी उनकी संख्या बराबर हो चुकी है, और ऐसे विलयन को ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरे होते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब कि उनमें हमने विलेय की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा घुल रखी है। अब बहुत ज़्यादा कैसे घुलेगी, अभी अभी हमने देखा था कि संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि उसमें अधिकतम मात्रा घुल चुकी है, अब नहीं घुल रही है। तो हम क्या करते हैं, उस संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं। जैसे हम जानते हैं छोटी सी चीज़ कि जब हम पानी में चीनी घुल रहे हैं, मान लीजिए चीनी घुलना अगर बंद हो जाती है, तो अगर चीनी को विलयन को गर्म कर दें तो उसमें और चीनी घुली जा सकती है, ठीक है ना। तो गर्म कर देंगे तो उसमें और विलेय घुल जाएगा, लेकिन फिर उसे उसी वापस ताप तक ठंडा कर देंगे जिस ताप पर हम पहले मापन कर रहे थे विलेयता का, तो उस निश्चित ताप पर उसमें विलेय की मात्रा सामान्य मात्रा से बहुत कहीं अधिक होगी। तो ऐसे विलयन को ही हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति अति मतलब बहुत ज्यादा, संतृप्त से बहुत ज्यादा मात्रा में विलेय उपस्थित है तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी उस समय विलयन में जो आयनों की मात्रा है वो उसकी विलेयता गुणनफल से कहीं ज्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं आज चीनी की चाशनी, ठीक है। चाशनी में चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जल बहुत ही कम मात्रा में होता है, वो अति संतृप्त स्थिति है, ठीक है ना। एक चीज याद रखनी है कि जब भी कहीं कोई अवक्षेप आता है, अवक्षेपण जो होता है वो हमेशा तभी होता है जब विलयन अति संतृप्त हो जाता है। यानी शर्त है कि कहीं कभी अभी कोई अवक्षेप अगर आएगा तो उसमें के आयनिक का मान, यानी कि विलयन में उपस्थित विलयता गुणनफल का मान, विलयन में उपस्थित आयनिक गुणनफल का मान उसकी विलयता गुणनफल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने संतृप्तता के आधार पर तीन प्रकार के विलयन देखी, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, ठीक है ना। अब हमें संतृप्त विलयन समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे कि विलयन में जो विलेय की मात्रा उपस्थित है उसकी मात्रा को हम कैसे व्यक्त करें, कैसे प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है विलेय की वह मात्रा जो उस विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में या आयतन में घुली हुई हो, ठीक है ना। विलायक या विलयन की मात्रा और साथ में उसका या तो ग्राम में मात्रा दी हुई हो सकती है या फिर उसका आयतन दिया हो सकता है। उस आयतन में जो उसकी मात्रा होती है उसे ही हम विलेय सांद्रता कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 100 ml जल में 10 ग्राम NaCl घोला है तो मेरी सांद्रता हुई 10 ग्राम प्रति 100 ml, ठीक है ना। तो प्रति 100 ml में, यानी कि एक निश्चित आयतन में हमने विलेय की कितनी मात्रा घोल रखी है, उस विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करने का तरीका ही सांद्रता कहलाता है। और इसको प्रदर्शित करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से कुछ तरीकों को हम इस वीडियो में देखेंगे, कुछ तरीकों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं हम सांद्रता को अनेक पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत बिल्कुल ऐसी चीज जैसे अपन प्राप्तांक प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है ना। प्राप्तांक प्रतिशत में हम क्या करते हैं कि हमें प्राप्तांक प्रतिशत निकालना है तो हम निकालते हैं प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू में 100, ठीक है ना। ये चीज़ हमने हालांकि लेंथ में पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि मान लीजिए अपना कोई विलयन है, ठीक है ना, उस विलयन में हमारे पास 100 ग्राम विलयन है कुल मिला के। इस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है, ठीक है ना। तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या कैसे निकालेंगे कि विलेय के ग्राम को तो हम स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, विलयन के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो अब जब हम डब्ल्यू ऑब्लिक कैपिटल डब्ल्यू करेंगे तो होगा विलेय का भार बटे विलयन का भार। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना ही पड़ता है, ठीक है, कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10%, ठीक है ना। स्मॉल डब्ल्यू मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा और कैपिटल डब्ल्यू मतलब विलयन की ग्राम में मात्रा। तो हम यहाँ के ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय, ठीक है ना, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा
उसका द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत या स्मॉल डब्ल्यू ऑब्लिक कैपिटल डब्ल्यू प्रतिशत कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ हुआ देखिए, जैसे डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू परसेंट इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100, यानी कि डब्ल्यू बटे डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू तो है यहाँ पर विलेय का भार और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, तो इन दोनों को मिलाने पर मिल गया विलयन का भार गुणा 100। ठीक है, जैसे देखिए 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घुलने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, या दूसरी चीज कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घुलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो विलेय क्या है यहाँ पर, शर्करा, शर्करा यानी कि शर्करा का हमें विलेय के रूप में उपयोग ले रहे हैं, इसकी ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 20 ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू तो हो गया 20 ग्राम। ठीक है ना, फिर विलायक की मात्रा दे रखी है 80 ग्राम, तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया 80 ग्राम। यहाँ यहाँ डायरेक्ट दे दिया है विलयन का भार कितना दे दिया 100 ग्राम। ठीक है, दोनों चीज़ें मिल गई हमें, ये दो चीज़ें अच्छी होती हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100, 20/100 × 100 यानी कि 20% आ गया। ठीक है ना, इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घुलने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो 10 ग्राम NaCl कम मात्रा में ही, तो ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू। फिर 100 ग्राम जल में घुलने पर यानी विलायक की मात्रा कितनी दे दी है 100 ग्राम, तो ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है ना, तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो अपने पास सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100, है ना। तो ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू 10/110, दोनों को तो सम किया तो 100 + 10 = 10 हो गया गुणा 100, इसको सॉल्व करें तो आएगा अपना प्रतिशत 9.09% द्रव्यमान, वेट बाई वेट, इसको वेट बाई वेट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम द्रव्यमान प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत की तरह है, लेकिन ये हम तब निकालेंगे जब हमें विलेय और विलायक दोनों का ही ML यानी आयतन दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि हम द्रव्यमान प्रतिशत कब निकालेंगे, जब हमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ग्राम में दे रखी है। ठीक है ना, और आयतन प्रतिशत कब निकालेंगे, जब हमें विलेय और विलायक दोनों की ही मात्रा ML में दे रखी है। ठीक है ना, तो किसी विलयन की 100 ML में उपस्थित विलेय की ML में मात्रा या मिली लीटरों की संख्या ही आयतन प्रतिशत कहलाती है, यानी स्मॉल वी का मतलब तो है विलेय की ML में मात्रा, और कैपिटल वी का मतलब है विलयन की ML में मात्रा। ठीक है ना, स्मॉल वी कैपिटल वी परसेंटेज इज इक्वल टू स्मॉल वी अपॉन स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी इंटू 100। ठीक है, जैसे 20 ML एथेनॉल को 160 ML जल में घोला तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्मॉल वी दे दिया है 20 ML, कैपिटल वी दे दिया है 160 ML, तो इनका सम हो जाएगा 180 ML। तो ये निकालने के लिए अपना फॉर्मूला है स्मॉल वी अपॉन स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी इंटू 100, 20/180, 180 कैसे हुआ 20 + 160। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालते हैं तो आ जाता है 11.11। ठीक है ना, कभी देखो इसका ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 10% V/V मेथिनॉल विलयन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि 100 ML विलयन, अगर टोटल ML कितने इतना है 100 ML है, ठीक है ना, तो उसमें मेथिनॉल के 10 ML उपस्थित है, 100 ML विलयन में मेथिनॉल के 10 ML उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तीसरा है इनका मिक्स्ड यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब होगा कि जब हमें विलेय की मात्रा तो दे रखी है द्रव्यमान में यानी कि ग्राम के रूप में, लेकिन विलायक दे रखा है आयतन के रूप में। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है ना, तो इस द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हम कैसे निकालेंगे कि 100 ML विलयन में विलेय की ग्राम में कितनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है ना, किसी विलयन के 100 ML में विलेय की ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, यानी कि W/V परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ML में गुणा 100। ठीक है ना, अब बात विशेष ये है कि इस इकाई का उपयोग औषधियों व फार्मेसी में किया जाता है। ठीक है ना, दवाइयों से संबंधित किया जाता है, जैसे हम बात करें कि आँख धोने के लिए 1% W/B बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि 100 ML अगर कुल विलयन है तो उसमें 1 ग्राम
बोरिक अम्ल का घुला हुआ है। ठीक है ना, दवाइयों और औषधियों के बारे में बात करते हैं हम किसके रूप में, डब्ल्यू ऑब्लिक बी के रूप में। लेकिन जो व्यावसायिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, व्यावसायिक जो उत्पाद होते हैं उनको हम हमेशा ही द्रव्यमान प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कहा H2SO4, है ना, H2SO4 जो होता है वो द्रव्यमान के रूप में होता है केवल 95.8%। देखो व्यावसायिक H2SO4 जो होता है वो 95.8% W/W होता है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत में होता है। इसी प्रकार जो ब्लीचिंग विलयन मिलता है, ब्लीचिंग विलयन जो होता है वो सोडियम हाइपरक्लोराइड का विलयन होता है, कितने परसेंट, 3.62% W/W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। तो जो व्यावसायिक वैल्यूज होती हैं या व्यावसायिक विलयन होती हैं उनको हम W/W यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन जो औषधियाँ होती हैं उनको द्रव्यमान आयतन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ विलयन हैं जिनको हम विलयन के रूप में या आयतन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी इसका सूत्र होता है CH2OH, इसका 35% विलयन आयतन प्रतिशत के रूप में है, स्मॉल बी ऑब्लिक कैपिटल बी, का उपयोग ठंडे प्रदेशों में वाहनों के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका हिमांक होता है 255.4। 35% ऑब्लिक वी ऑब्लिक बी का मतलब ये है कि कुल अगर 100 ml जलीय विलयन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो 100 ml में 35 ml तो इथाइलिन ग्लाइकोल का है और 65 ml जल का है। ठीक है, और ऐसा करने से उसका हिमांक जो होता है कम होता है। जल का हिमांक तो होता है 273 केल्विन, लेकिन इस 35% विलयन का हिमांक घटकर हो जाता है 255.4 केल्विन, यानी इतने ठंडे स्थित होने पर भी ये जमता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि व्यावसायिक उत्पाद हमेशा W/W में होते हैं, जबकि कुछ विशेष विलयन होते हैं जो V/B में होते हैं, और जो औषधियाँ होती हैं वो W/V में पानी का कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना, देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका हम, कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। ठीक है ना, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है ना, तो W ग्राम विलेय का भार दे रखा है, यानी W दे रखा है, ये विलेय का भार देने ज्ञात करना है हमें 10 ग्राम। विलयन का आयतन दे रखा है हमको 500 ml, तो विलयन का आयतन चाहिए होता है हमें, वो दे दिया है 500 ml। तो W/V प्रतिशत क्या होता है, W/V × 100। W दिया है 10 ग्राम, V दिया है 500 ml × 100, सॉल्व किया तो 2% आ गया। यानी ये जो विलयन है ये यूरिया का 2% विलयन है। 2% विलयन का अर्थ हुआ कि अगर 100 ml विलयन है तो उसमें 2 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। ठीक है, अगला तरीका है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया 10^6, 10 लाख, यानी कि 10^6 ग्राम में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। ये बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत जैसा है, लेकिन केवल अंतर यह है कि जब द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो हमने 10^2 यानी कि 100 से गुणा किया था, जबकि PPM निकालते हैं तो 10^6 से गुणा करते हैं। ठीक है, यानी विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 10^6। ठीक है ना, और ये कब काम में लिया जाएगा, जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो हम PPM में कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जल की कठोरता, ठीक है ना, PPM में ज्ञात की जाती है। वायु में प्रदूषक गैसों की मात्रा PPM में ज्ञात की जाती है। जल में Cl2 गैस की मात्रा, ये भी PPM में ज्ञात की जाती है। और कभी कभी हम PPM के स्थान पर PPB भी प्रयुक्त कर लेते हैं। PPM और PPB में क्या अंतर है, केवल इतना सा कि 10^6 की जगह 10^9 लगा दें तो वो PPP हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आई चीज। अब देखो तीन चीजें एक जैसी हैं, एक तो हमने देखा W/W प्रतिशत, इसमें हमने किया था W/W + W×10^2, यानी कि 100, ये तो कहलाता है द्रव्यमान W/W। फिर हम बात करते हैं PPM की, PPM में होता है W/W + W×10^6। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं PPB, PPB में होता है W/W + W×10^9। ठीक है ना, केवल इस पावर का अंतर है, ये द्रव्यमान प्रतिशत था, ये PPM है, ये PPB है। ठीक है ना, ये मात्राएं कब निकाल देंगे, जब विलेय की सांद्रण जो है, विलेय की जो मात्रा है विलेय में लगातार कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है, तब हम PPM या PPB का उपयोग करते हैं।
ठीक है ना। तो जैसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड आयनों का सांद्रण पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलेय की मात्रा दे रखी है फ्लोराइड की 0.2 ग्राम और विलयन का भार दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हो गया पीपीएम क्या है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 10^6 पीपीएम में निकालनी है। तो 0.2 अपॉन 500 × 10^6 इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 400 पीपीएम, ठीक है। यानी कि उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है 400 ppm के बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कुछ तरीके थे सांद्रता को व्यक्त करने के। आगे कुछ तरीकों को हम अगले वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।